हाँ, फाइंड द डोमेन एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ln x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, करिए आप लोग। मैं भी बेटा करता हूँ स्क्रीन पे, आप लोग अपनी कॉपी में करिए। ओके, सर हो गया। ओके बेटा, और बच्चों को कर लेने दो आप। हो गया सर। ओके, कितना है बेटा आंसर आप बताइए। 5 to infinity। 5 to infinity। कॉमन पोर्शन ही लेंगे। 5 होगा बेटा या नहीं होगा? सर होगा, होगा। यही आएगा ना आपका आंसर फाइनली? ओके यस। बेटा, ठीक है ठीक है। आप रेंज मतलब आपको डोमेन मतलब जो पढ़ाया गया वो मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है? यदि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड द रेंज। हाउ टू फाइंड द रेंज। लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन इफ पॉसिबल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। दूसरा पॉइंट है, नाउ द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ y for which x is
डिफाइंड विल फाइनाइट, जहां पर वाई फाइनाइट है, फॉर विच एक्स इज डिफाइंड विल फाइनाइट। ओके बेटा देखो यहाँ पर बोला गया है रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले बेटा लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी फंक्शन लेंगे। ओके इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है वहां पर तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ओके इसको भी जैसे डोमेन हम लोग फाइंड आउट करते थे वैसे रेंज को भी फाइंड आउट करेंगे, बट यहाँ पर वही चीजें हैं। यहाँ पर बेटा जैसे पहले जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ वाई इक्वल टू, जैसे मान लो सपोज एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊं बेटा, यस या नो? यस यस। ओके जैसे सपोज आपका पहला ही क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। बेटा मैंने क्या बोला, यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, इफ पॉसिबल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, तो पहले बेटा इनको y के टर्म्स में x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो यहां से x के टर्म y के टर्म्स में कैसे होगा, तो ये थ्री है LHS में ले आए, तो y माइनस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बेटा यहां से x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस थ्री। ओके अब बताइए बेटा यहां से जो x इक्वल टू प्लस माइनस y बाई थ्री आ गया, तो ये जो x इक्वल टू, अब ये x डिफाइंड कब होगा, जब यहां पर y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री होगा, तभी तो x डिफाइंड होगा बेटा। तो यहाँ की जो फाइनली इसकी जो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, यही इसकी रेंज है, तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज ब्रैकेट थ्री टू इनफाइनाइट। बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। बेटा कुछ नहीं करना, रेंज जैसे आप डोमेन निकालते थे बस कुछ नहीं करना, कोई y इक्वल टू fx कोई फंक्शन दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे आप, जो फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के फॉर्म में दिया, तो उसको पहले आप x के फॉर्म, y के फॉर्म में फंक्शन को x इक्वल टू y के फॉर्म में कुछ ले आएंगे, फिर वो देख लेना कि x डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मैंने डोमेन में बोला था ना बेटा, x की सारी वैल्यू होंगी जहां पर y डिफाइंड होगा, यहां पर जस्ट अपोजिट है, यहां पर x डिफाइंड होना चाहिए, y की सारी वैल्यू होगी। ओके यस सर। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। y इक्वल टू रूट ओवर टू माइनस एक्स अपॉन एक्स। ओके अब बेटा क्या करना है इसको, बस पहली चीज तो देखो बेटा, यहां पर पहली चीज आपको मैंने x के फॉर्म में लाना, तो इसको स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायर करने पर y स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस एक्स अपॉन एक्स आ गया। इसको y के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पर इसमें x का मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई x y स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस एक्स। ओके अगेन x y स्क्वायर प्लस x इक्वल टू टू। ओके बेटा यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, y स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू, तो x इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस y स्क्वायर। बेटा यहां तक किसी को डाउट है, बताइए आप? नो सर। ओके अब बेटा देखिए यहां से अब x इक्वल टू ये, अब इसकी आप बताइए y की क्या वैल्यू होगी, x हमेशा डिफाइंड है, y की क्या वैल्यू होगी, आप लोग थोड़ा सा सोचिए। सर एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो बेटा यहां पर हो तो सकता है, y की जीरो रख देंगे तो यहां पर टू अपॉन एस सर जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहां क्या हो जाएगा, y belongs to real number, okay? But बेटा यहाँ पर आप ये बताइए, जो पहला यहाँ पर y equal to root over 2 minus x upon x, इसकी जो value बेटा y क्या होगा, यहाँ पर always greater than or equal to 0 ही होगा। देखो यहाँ function क्या होगा, y equal to क्या, ये negative value, root के, root कभी negative value देगा, बताइए आप?
यहाँ जो बेटा वो ओके, तो यहाँ से अब दोनों बेटा जैसे डोमेन में क्या होता था, मान लो जैसे दो डोमेन आ रही है किसी, मान लो एक फंक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं उसके दो डोमेन आ रहे हैं, तो उनको दोनों को क्या लेते थे, इंटरसेक्शन लेते थे। तो यहाँ भी बेटा सेम चीज है, यहाँ पर पहले y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो देगा, अब यहाँ से निकालने के बाद क्या आ रहा है, y इज बिलोंग्स टू रियल, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे बेटा क्या आएगा इंटरसेक्शन में बताइए आप, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके तो y बिलोंग्स टू जीरो टू इनफिनिट, यही इसकी बेटा रेंज है। किसी को डाउट है बताइए, ऐसे ही बेटा जब भी आपको क्वेश्चन, मैंने बोला इफ पॉसिबल सारे क्वेश्चन के लिए मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा डोमेन का तो एक मेथड होता है कि वाई, मतलब वाई डिफाइंड होना चाहिए, आपको डोमेन निकालनी है एक्स की सारी वैल्यू जहां पर वाई डिफाइंड हो, बट रेंज में बेटा कुछ मेथड्स होते हैं। अब जैसे मैंने इसीलिए बोल दिया था कि ये मेथड तभी अप्लाई करेंगे इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो रहा है तो, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं करेंगे। ओके ये चीज याद रखना कि जो आप लोग बस एक ही मेथड सर ने बताया था ऐसा नहीं है, ठीक है? ठीक है बेटा अगला देखते हैं। अब बेटा जैसे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक फंक्शन का आपको ग्राफ मैंने बता भी चुका हूं, तो यूज ऑफ क्वाड्रेटिक से रेंज कैसे निकालते हैं देखते हैं। यूज ऑफ क्वाड्रेटिक, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का यूज करके कैसे हम रेंज निकालते हैं। ओके बेटा आप सबने इलेवेंथ में क्वाड्रेटिक पढ़ रखी है ना, यस या नो? बेटा आप लोगों ने इलेवेंथ में क्वाड्रेटिक पढ़ रखी है ना? यस सर। ओके सर, ओके एफ एक्स इक्वल टू, तो इतना सोचना क्यों पड़ रहा है बताने में, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। ओके एफ एक्स को वही सेम, एफ एक्स का वाई रख देते हैं, क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके यहाँ बेटा ए इज ग्रेटर देन जीरो के लिए पहले देखते हैं, यदि ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो रेंज हम कैसे क्या है, इसका पहले ग्राफ देखते हैं। मान लीजिए सपोज इसका ग्राफ कुछ क्वाड्रेटिक कैसा बन रहा है, ओके यहाँ पर इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है और यहाँ पर इसकी कहीं पर इनफाइनाइट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके तो बेटा आप बताइए जो यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू है इस पे ये वैल्यू लिखना सही रहेगा बताना आप, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस का डी अपॉन फोर। बेटा आपको बताया गया इलेवेंथ में इसकी जो, अब देखो यहाँ पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू एक्स की वैल्यू, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी अपॉन टू ए, इसकी जो रेंज आ रही है रेंज क्या है कि माइनस डी अपॉन फोर ए। ओके यदि इफ किसी क्वाड्रेटिक का ए लेस देन जीरो है, कुछ इस तरह का शो होगा, ये यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और यहां पर मिनिमम वैल्यू, तो मतलब इसका माइनस इनफाइनाइट टू ये मैक्सिमम जो वैल्यू होगी। ओके यहां तक बताइए बेटा, किसी को डाउट है क्वाड्रेटिक में? नो सर। ओके ठीक है, अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं कैसे इसका क्वेश्चन में अप्लाई करना है। Find the range of fx equal to 2x square minus 5x
सर वो ग्राफ में 4D वाला कैसे आया एक बार समझा दो ना। अच्छा अच्छा ओके, मतलब माइनस डी अपॉन 4A ये कैसे है ना, यही ना। यस सर, और ग्राफ। अच्छा बेटा देखिए क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे ऐसे ही कुछ होगा, या बेटा ये ऊपर भी हो सकता है। ओके कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसके रूट्स मैं ये मान के चल रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल एंड इक्वल। ओके रूट इक्वल भी हो सकते हैं, रूट कुछ भी। तो बेटा देखो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ये तो आपको पता होगा इस पॉइंट पे होता है, ये पता होगा ना बेटा आपको x। बताइए आप, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन माइनस डी अपॉन 4a में है। बेटा यहाँ पर आपको ये जो माइनस डी अपॉन 4a है ये y की वैल्यू है, x इक्वल टू इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप माइनस बी अपॉन 2a रख के देख लीजिए। ओके मैं रख के देखता हूँ एक बार, माइनस बी अपॉन 2a भी एक बार समझा दो कैसे। अच्छा ये ठीक है बेटा, माइनस बी अपॉन 2a इसके देखो इसका जो रूट्स देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, जागृत आप ही पूछ रहे हैं ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, मतलब सम ऑफ रूट्स किसी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए ही होता है, माइनस बीटा ए। ओके तो यहाँ पर बेटा ये जो माइनस बी अपॉन टू ए लिखा जाता है, तो देखो एक रूट मैं मान के ये चलता हूँ, एक रूट ये मान के चलता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों का जो एक रूट ये एक रूट ये बाई टू कर देते। ओके तो माइनस बी अपॉन टू ए मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर, माइनस बी अपॉन ए दोनों का बाई टू कर देते। ओके या इसका हाफ, ओके एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए बेटा ये माइनस डी अपॉन फोर ए कहाँ से आया, माइनस डी अपॉन फोर ए बेटा यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए है, तो वहां पर आप एक्स की वैल्यू पर वाई इक्वल टू, ये वाई को इक्वल टू माइनस डी अपॉन फोर ए है निकालना है हमें, तो यहाँ पर बेटा एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए रख दीजिए आप इस इक्वेशन में, तो वाई इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर प्लस बी माइनस बी अपॉन टू ए प्लस सी। इसको बेटा सॉल्व करिए आप, ए माइनस बी का कितना हो जाएगा इंटू बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस सी। अब बेटा आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, फोर ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर। ओके एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या आ रहा है बेटा, ए बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2a है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा माइनस का कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर तो ऑलरेडी है इंटू ए बी आ जाएगा। ओके प्लस c में क्या रखेंगे 4a स्क्वायर c, 4a स्क्वायर c। अब बेटा ऊपर से a कॉमन ले लें, आप a कॉमन ले लेंगे तो ऊपर कितना बचेगा बेटा, कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है आपका बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी, ओके अपॉन 4a स्क्वायर। अब बेटा इसको जो फाइनली सॉल्व करने के बाद आ रहा है, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ओके तो b स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको जो फाइनली लिख रहे हैं माइनस का d अपॉन 4a। बेटा क्लियर हुआ आपको कहां से आया माइनस d अपॉन 4a? यस सर। ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, इसकी रेंज बता देखते हैं बेटा। यहां पर क्या दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स
प्लस थ्री, ओके। ए इसका क्या है बेटा, ग्रेटर देन जीरो है, तो रेंज कहां से कहां तक, तो यहां से इनफाइनाइट तक जाएगी, कुछ ऐसे ही रेंज होगी, ओके। तो हमें केवल माइनस का डी अपॉन फोर ए की वैल्यू निकालनी है, यहां से देखते हैं ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू माइनस फाइव, सी इक्वल टू थ्री, ओके। तो माइनस डी अपॉन फोर ए निकालने के लिए डी की जगह बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, ओके, माइनस का बी स्क्वायर मतलब फाइव, माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, माइनस फोर इंटू ए कितना है टू इंटू सी थ्री अपॉन फोर इंटू ए टू। नेक्स्ट देखते हैं माइनस का ट्वेंटी फाइव माइनस कितना हो जाएगा बेटा ट्वेंटी फोर, तो कितना आएगा वन अपॉन फोर इंटू टू एट, यहाँ जो फाइनल आंसर आ रहा है माइनस का वन अपॉन एट। तो बेटा जो इसकी रेंज होगी, रेंज क्या होगी, माइनस वन बाई एट टू क्या होगी इन्फिनिटी, ओके, माइनस वन बाई एट टू इन्फिनिट, माइनस वन बाई एट पे क्लोज ब्रैकेट होगा बेटा। रेंज को एक चीज और आप लोग यह ध्यान रखिए कि जो वाई एक्सेस में जितनी वैल्यू होंगी वाई की, ओके, वो ही आपकी रेंज होगी। वैसे ही यहां पर देखिए क्वाड्रेटिक में वैसे ही देख रहा है ना आपको, कि जितनी वाई एक्सेस में मिनिमम वैल्यू हमने निकाल लिया, मिनिमम टू मैक्सिमम कर दिया, ओके। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, नो सर, ओके। रख कर दो बेटा इसको, ठीक है बेटा। अब आपको एक चीज और मैं बताता हूं, यही जो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक को लेके इफ एफएक्स इज If fx is continuous such that its minimum value is small m and maximum value is capital M, okay। इसकी जो बेटा रेंज हो जाएगी, स्मॉल m टू कैपिटल m, ओके। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए, अभी इसके आगे बताऊंगा इसके बारे में, ओके। सेकंड पॉइंट बेटा, कोई फंक्शन आपको fx इक्वल टू इस टाइप का कभी दिया हुआ, fx इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस सी, ओके, इस टाइप के मान लो कभी फंक्शन आपको दिया जाए तो इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके। सी माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके।
बेटा जी आपको कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी फॉर्म में दिया हो तो आपकी जो रेंज होगी मिनिमम वैल्यू जो रेंज क्या होगी सी माइनस ए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके इसी को इसी पे बेसिस से क्वेश्चन देख लेते हैं। सर ये आया कैसे पर बेटा इसका प्रूविंग है प्रूविंग है हायर एजुकेशन में होती है तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं इसका जो होता है ना डायरेक्टली होता है फार्मूला। ओके यहां पर इसका एग्जांपल देखते हैं। थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स प्लस नाइन ये आपका एफ एक्स दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स प्लस नाइन। ओके बेटा इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो आपकी रेंज क्या होगी सी यहां पर कितना बेटा ए बी सी निकाल लेते हैं पहले ए इक्वल टू थ्री बी इक्वल टू फोर सी इक्वल टू नाइन। ओके यहां से c माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब थ्री के स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर से एफ एक्स नाइन प्लस रूट थ्री के स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर। ओके यहां पर मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूं यहाँ पर a इक्वल टू थ्री बी इक्वल टू फोर एंड c इक्वल टू नाइन। ओके तो फाइनली इसका कितना आ जाएगा नाइन माइनस रूट थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर का ओवर रूट कितना होगा फाइव नाइन प्लस फाइव नाइन माइनस फोर सॉरी नाइन माइनस फाइव कितना फोर से फोर्टीन। ओके तो यहां जो इसकी रेंज आ जाएगी फोर टू फोर्टीन। ओके समझ आई बेटा ये चीज यस या नो यस सर। ओके बेटा आप लोग इस चीज को लेकर कभी कंफ्यूज मत होना यहां पर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी यहाँ पर a cos x ऐसे भी दिया हो सकता है यहाँ पर a cos x प्लस b sin x प्लस c। ओके किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है ऐसे भी दिया हो सकता है c माइनस a cos x माइनस b sin x। ओके किसी भी फॉर्म में दिया हो तो आपको बस एक चीज याद रखनी सर बताइए बेटा सर मतलब cos x की वैल्यू को हमेशा b लेने का और sin x नहीं ऐसा कुछ नहीं a b ऐसा कुछ नहीं बेटा मैंने फिर बोला ना कुछ भी दिया हो कुछ भी आपको यहाँ पर केवल आप ये देख लेना c जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म वाला है और इसके बाद a sin x b cos x इसमें कुछ भी आप दिया कोई मैटर नहीं करता। ठीक है देखो यहाँ पर आप इससे भी देख सकते हो देखो यहाँ पर c माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है या बेटा बी स्क्वायर ए स्क्वायर कर दो मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो बेटा प्लस में पहले कोई लिखा है या बाद में लिखा कोई फर्क पड़ता है क्या नहीं तो मतलब c वाला समय डिफर करता है सर बस c हाँ c हाँ c c कॉन्स्टेंट उसको अलग और यहां पर ए मतलब ऐसे ही होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ठीक है इसको मैं इसको रफ करके समझाता हूं एक क्वेश्चन और आपको। ठीक है बेटा यदि आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया हुआ तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है टू माइनस थ्री कॉस एक्स माइनस या प्लस फाइव साइन एक्स। ओके इसकी यदि आपसे रेंज पूछी गई है इक्वल टू एफ एक्स इससे आपसे पूछी जाए रेंज तो क्या करना आपको पहले यहां पर सी कितना है बेटा टू ए हमने मान लिया कॉस एक्स वाले को तो मान लिया ए इक्वल टू माइनस थ्री बी इक्वल टू फाइव। ओके तो रेंज क्या होती है सी माइनस रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो सी कितना है, टू माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर। ओके, सी कितना है, टू प्लस रूट ओवर माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर। ओके बेटा, तो यहां पर टू माइनस थ्री के स्क्वायर फाइव के स्क्वायर कितना आएगा, नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव, तो थर्टी सिक्स हो गया। तो टू माइनस सिक्स, यहां से वही सेम चीज, टू प्लस रूट ओवर थर्टी सिक्स, तो बेटा माइनस फोर टू, इसकी रेंज में डायरेक्टली कह रहा हूं माइनस फोर टू, समझ में आया बेटा? यस। तो अब आपको समझ में आया, मतलब ए भी कुछ भी हो सकता है, केवल आपको सी जो कांस्टेंट वाला है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब बेटा जो जनरली आपके बोर्ड, ओके बेटा, जनरली जो आपके बोर्ड में रेंज पूछी जाती है तो वो y इक्वल टू या fx इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की होती है, ठीक है? ये तो आपके जेई मेंस में ही रेंज इस तरह की पूछी जाती है जो आपके बोर्ड। बोलिए बेटा। सर रूट थर्टी फोर आएगा ना, नाइन सॉरी नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव, हाँ रूट थर्टी फोर आएगा। थैंक यू बेटा, मैंने थर्टी सिक्स एक्चुअली थोड़ा सा फ्रेंकली अच्छा नंबर लगता है ना, तभी यहाँ पर रूट थर्टी फोर। इसको सारे को मेहनत करना पड़ेगा मुझे। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। टू माइनस रूट थर्टी फोर से एफएक्स टू प्लस रूट थर्टी फोर। ओके, इसके जो बेटा रेंज आ जाएगी कितनी आ जाएगी, टू माइनस रूट थर्टी फोर से टू प्लस रूट थर्टी फोर। ओके ठीक है बेटा। यस सर। ओके बेटा, यहां तक क्लियर? जो अब नेक्स्ट है, यस सर, अब क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप रेंज बेटा, आपके जो बोर्ड में आती है वो fx इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जनरली पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है आपके बोर्ड में। ओके, देखते हैं उसको भी, रब कर दूं इसको। यस, ओके बेटा, जो आपका अब बोर्ड का क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड में कैसी रेंज पूछी जाती है। रेंज ऑफ फंक्शन, ओके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल। बेटा आपकी बोर्ड में पूछा जाने वाला फ्रिक्वेंटली रेंज का क्वेश्चन यही होता है, आपको हर टू ईयर में मतलब हर अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन रेंज को देखने का मिलेगा। ओके, देखते हैं बेटा इसको कैसे करते हैं। बेटा यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल बोला गया है, देखते हैं यहाँ पर बेटा एफ एक्स को हम y पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ओके बेटा, अब इसको एक्स स्क्वायर के सॉरी अब इसको हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इस टर्म में बनाना है, ठीक है? तो बना देखते हैं, तो यहां से बेटा एक्स स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स
प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। ओके तो यहां से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, प्लस यहां से एक्स कॉमन ले लेते हैं, प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। ओके बेटा यहां एक्स बिलोंग्स टू डीएल है, तो इसके लिए बेटा जो इसका अब इसका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये बेटा रूल ही है कि इसको आपको जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, सबसे पहले क्या करेंगे आपको बेटा x के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक बना लेंगे, देन d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो कर देंगे। अब ये मत पूछ लेना कि सर इसको d लेस देन जीरो क्यों नहीं करते हैं, ठीक है? इसके मैंने पहले बता दिया रूल है आपके। तो यहां पर बेटा d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहां पर a b c लिखने की जरूरत है। a इक्वल टू कितना बेटा y माइनस वन, b इक्वल टू बी वाई माइनस वन, c इक्वल टू वाई माइनस टू। ओके देखते हैं d क्या होगा था बेटा, b स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, b y माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस वन वाई माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके देन इसको सॉल्व करिए, इसमें वाई माइनस वन पहले कॉमन ले लीजिए, वाई माइनस वन ने कॉमन ले लिया, अंदर वाई माइनस वन माइनस फोर वाई माइनस टू ओके इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देन अब यहां देखते हैं, यहां से बेटा y माइनस वन कॉमन ही रखते हैं, अंदर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस वन माइनस फोर वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके बेटा देन आप क्या करते हैं, यहां से y माइनस वन यहां से देखिए बेटा कितना आएगा, सेवन माइनस थ्री वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बेटा यहां पर y इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू सेवन अपॉन थ्री दो फैक्टर्स आते हैं, ठीक है? नंबर लाइन पे शो करते हैं जैसे जनरली हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, यहां पर y इक्वल टू वन एंड सेवन अपॉन थ्री, यहां बेटा सेवन अपॉन थ्री से बड़ा रखोगे आप कोई भी नंबर तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ओके क्योंकि दोनों जो फैक्टर्स है उनकी पावर क्या है, ऑड है। ओके यहाँ पर अल्टरनेट साइन नहीं चलेगा, प्लस माइनस प्लस। अब हमें निकालना क्या है, यहां पर बेटा निकालना क्या है हमें, यहां पर बेटा सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि तो यहां पर क्या आ रहा था सेवन माइनस थ्री, तो यहां पर माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे। मैंने एक स्टेप थोड़ा सा मिस कर दिया है, यहां पर बेटा इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे एक स्टेप में। ओके तो यदि माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वाई माइनस वन तो एज इट इज रहेगा, इसके बाद ये हो जाएगा बेटा थ्री वाई माइनस सेवन। और बेटा यदि किसी इनइक्वलिटी में माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वलिटी जस्ट रिवर्स हो जाती है। ओके तो लेस देन आर इक्वल टू जीरो, देन आप इसके फैक्टर करेंगे वन सेवन अपॉन थ्री। ओके यहाँ सेवन अपॉन थ्री से, क्योंकि वो जो हम सेवन अपॉन थ्री से उस कंडीशन में बड़ा रखते हैं उसमें निगेटिव आएगा। ओके तो यहाँ पर सेवन अपॉन थ्री से बड़ा रखने पर पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब बेटा क्या करेंगे, लेना हमें क्या है लेस देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब निगेटिव साइन वाला लेना। निगेटिव साइन कहाँ से कहाँ तक होगा, वाई बिलोंग्स टू वन टू सेवन अपॉन थ्री, यही बेटा। अब वन यहां पर देखना पड़ेगा, वन यहां पर लेना है कि नहीं लेना ये भी देखना है बेटा। आप बताइए वन यहां पर लेंगे या नहीं लेंगे, हेलो जागृत बेटा आप बताइए यहां पर वन लेंगे या नहीं लेंगे, थोड़ा सा माइंड पूरा आप क्वेश्चन देखिए ऊपर से, फिर इसके बाद बताइए आप वन यहां पर लेना है या नहीं लेना है। जागृत या रिद्धि दोनों में कोई एक लोग बताए बेटा, यस
लेंगे। यदि आप बताइए। यस सर लेंगे। अच्छा सर नहीं लेंगे। गुड। ये बेटा किसने बोला है? प्रथम शास्त्र। ओके बेटा आप बहुत अच्छा देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए एक्स स्क्वायर, मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से उसमें मार्क करता हूँ, इस क्वाड्रेटिक को आप ध्यान से देखिए बेटा। आपको पहले ही बोला जाता है क्वाड्रेटिक पढ़ाते वक्त, टीचर कोई भी चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर यदि ए जीरो कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं, यदि यहाँ पर वन ले लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक होगी नहीं होगी। ओके तो यहाँ पर देखिए, तो यहां से माइनस वन नेग्लेक्ट करना पड़ेगा हमें, तो यहां से जो फाइनली आंसर आएगा वाई बिलोंग्स टू 127/3। बेटा जो भी बताया अभी प्रथम, आपने ये बताइए आपको यही सोचा था या कुछ दूसरा सोचे थे? बताइए बेटा। नो सर मैंने अलग सोचा था। क्या क्या सोचे थे आप? सर मैंने आपने सर पहले जो सर इक्वेशन दी थी ना yes. ये वाई इज इक्वल टू अपॉन वाली सर। यस सर आगे वहां पे सर आपने सर y की वैल्यू सर बोला क्या बेटा बोला पहले आप सर y की वैल्यू सर वहां पे 1 रख दी तो सर x तो सर कट ही हो गया ना। देखो हाँ यहाँ भी रख सकते हो आप, सही, ये भी आपका लॉजिक सही है, बट आपको यदि क्वाड्रेटिक देखते जो बेटा, ये भी आपका लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। ओके कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर यदि y इक्वल टू 1 रख देंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ तो x और एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 1 इक्वल टू 0 ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ बेटा 1 इक्वल टू 0 ही बचेगा ना, तो 1 इक्वल टू 0 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। या दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक में कभी a डज नॉट इक्वल टू 0 पहली ही चीज बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्क्रिमिनेंट वगैरह है सब किसके लिए पढ़ते हैं? क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन के लिए तो पढ़ते नहीं हम, या कॉन्स्टेंट इक्वेशन के लिए नहीं पढ़ते ना। ओके तो यहां से 1 नहीं लेंगे बेटा। सबको समझ में आया? सर मेरा yes, नेटवर्क इशू था, तो अब y बिलोंग्स टू 127/3 माइनस 1 से रिपीट करो ना बेटा। यहाँ पर क्या 1 हटा रहे हैं ना हम यहाँ पर, या डायरेक्टली 1 ना ले लीजिए आप, डायरेक्टली यहाँ पर 1 नहीं लेना हमने आपको, इसलिए डायरेक्टली यदि यहाँ पर डायरेक्टली ओपन ब्रैकेट लगा दो तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोली, यहाँ पर एक ये भी कंडीशन तो है, यहाँ पर वाई माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, वाई माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। ओके तो वाई डज नॉट इक्वल टू 1, अब समझ में आया आपको, इसीलिए हमने माइनस 1 कर दिया बेटा। क्लियर हुआ आपको? बेटा जिसने भी डाउट पूछा था कि माइनस 1 नहीं करेंगे या कुछ ऐसा, सर क्यों इक्वल नहीं है सर भाई? बेटा यहाँ पर देखो, क्वाड्रेटिक होने के लिए पहली कंडीशन क्या पढ़ाई जाती है आपको, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसमें बेटा पहली कंडीशन क्या बोली जाती है, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पढ़ाई की होगी ना आपको? यस सर, a नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा वही कंडीशन हमने भी यहां लगाई, a डज नॉट इक्वल टू 0, तो y माइनस 1 डज नॉट, यहां पर डज नॉट इक्वल टू 0 तो y डज नॉट इक्वल टू 1। ओके बेटा तो इसीलिए यदि y यहां से 1 नहीं लेंगे, हमें y की रेंज क्या होती है, y की वैल्यू होती है ना, y की सारी वैल्यू ही रेंज होती है, तो यहां पर जब y में 1 नहीं है, मतलब y में 1 नहीं लेना हमको, तो यहां पर y 1 निग्लेक्ट करेंगे ना हम। अब समझ में आया? यस सर। ओके यस सर अंडरस्टूड। बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन दे तो आप लोग सॉल्व करेंगे कुछ इसी टाइप का, बोलिए बेटा सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? यस सर। ओके फाइंड द रेंज, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज। बेटा इसका आंसर थोड़ा सा गंदा आ सकता, गंदा मींस मतलब रूट वगैरह में जा सकता, क्योंकि मैं क्वेश्चन बना रहा हूं ठीक अपने मन से, इसलिए इसका थोड़ा सा आंसर गंदा भी हो सकता। ओके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ओके करिए बेटा इसकी रेंज निकालिए आप, सबके पास
दो से तीन मिनट का टाइम है, ओके। मैं भी सॉल्व करता हूं, देखता हूं। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे ही आ रही है, कुछ और आ रही है आप लोगों की? सर यही आ रही है। ओके वाई के रूट्स निकाल लेंगे, जो वाई के रूट्स आएंगे वही आपकी रेंज होगी। ओके आप लोग कर सकते हैं ना, मतलब ये चीज मुझे क्लियर करनी थी सर। पर वाई के इक्वल रूट्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल आया 16y स्क्वायर, हाँ इक्वल ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई दिक्कत थोड़ा आपको। बेटा नेक्स्ट चले, वन मिनट ओके। एक क्वेश्चन इसका होमवर्क में लिख लीजिए, इसके में भी अच्छे रूट्स आएंगे थोड़ा सा मुझे याद है शायद, ये होमवर्क में बेटा क्वेश्चन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके इसके जैसे बेटा मैं आंसर भी लिखे दे रहा हूँ, इसका मुझे आंसर एक बार मैच कर लेना। Maybe y belongs to k
कितना आता था, वन बाई थ्री टू थ्री, ओके। इसका बेटा जो जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया हो उसकी रेंज भी मैंने लिख दिया, इसको आप लोग करके देख लेना, चेक कर लेना ऊपर, ठीक है। बेटा हो गया था लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों से, हेलो रिद्धि बेटा हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. Okay. बेटा देखिए यूज ऑफ रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की यूज करके कैसे हम लोग रेंज निकालते हैं देखते हैं। बेटा देखिए वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, मतलब बचपन मींस 11th से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, इवन या 9th-10th में भी शायद किसी टीचर ने बताया आपको। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है क्या होता है, दिख रहा है आपको, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है जब मैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पढ़ाऊंगा, बट इसको ये देखो कंटिन्यूअस ग्राफ का मतलब होता है बेटा कि पेन को बिना उठाए, आप समझ रहे हैं, बिना पेन को पिकअप किए आप जो भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो सारे ग्राफ, जैसे देखो ये सब क्या है, कंटिन्यूअस है, ये सब कंटिन्यूअस, ओके बेटा क्या होता है विदाउट पिकिंग ऑफ द पेन, मतलब पेन को बिना उठाए हुए जितना भी आप जो भी ड्रॉ कर सकते हैं ये सब ग्राफ आपके कंटिन्यूअस है, ओके। वैसे यहाँ पर साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो हम बिना पेन उठाए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसीलिए ग्राफ कंटिन्यूअस, ओके। अब बेटा साइन एक्स का डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बेटा साइन एक्स की जो डोमेन आपको दिख रहे होगी, डोमेन मतलब जो एक्स में सारी वैल्यू ले रहा है साइन एक्स, तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ओके। अब देखिए वाई पे कहां से कहां तक साइन एक्स जा रहा है, मैक्सिमम 1 पे जा रहा है एंड मिनिमम -1 पे जा रहा है, तो इसकी जो रेंज होगी बेटा वाई की, वाई में जितनी वैल्यू पे ग्राफ लाइक करता है तो उसे रेंज बोलते हैं, तो रेंज कितनी आ जाएगी बेटा साइन एक्स की, -1 से 1, ओके। बेटा वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ देख लेते हैं,
ज्यादा फर्क नहीं होता, ये वाई इक्वल टू कॉस एक्स ग्राफ है। तो बेटा इसकी भी डोमेन सेम ही होगी, डोमेन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड रेंज माइनस वन से वन। ओके बेटा, साइन एक्स कॉस एक्स के ग्राफ में या डोमेन रेंज में किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए आपको, बताइए बेटा। हेलो, नो डाउट। ओके अब बेटा इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं बेटा, पहला ही क्वेश्चन है 4 tan x into cot x का, आप लोग कर लेंगे। हाँ ओके, रेंज फाइंड आउट करनी है 4 tan x into cos x। ओके फाइंड आउट करिए बेटा, ये इसकी मैं बताता हूँ आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखते बेटा tan x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 into sin x upon cos x into cos x, cos x cos x यहाँ से कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो यहाँ से फाइनली कितना है 4 sin x। ओके अब 4 sin x बेटा हमें पता है sin x की जो रेंज क्या होती है, माइनस वन से वन, तो 4 ब्रैकेट में माइनस वन टू वन, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करा देते बेटा तो कितनी आ जाएगी इसकी रेंज, माइनस 4 टू 4। क्वेश्चन में किसी को डाउट बेटा? नो सर। नो, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आप लोग मे भी ट्राई करिए, y इक्वल टू कॉस की पावर 4 x अपॉन 5 माइनस साइन की पावर 4 x अपॉन 5। ओके इसकी रेंज बताइए बेटा, ये थोड़ा सा सोच के देखिए, यदि आपसे हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज बोल दीजिए, बताइए सर आप। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं। क्या सर, क्या पूछा आपने बेटा? इसकी रेंज, मैं तो अभी यहाँ रेंज चल रही, तो जो भी क्वेश्चन दूंगा तो आपको रेंज ही फाइंड आउट करनी। ठीक है, फाइंड आउट द रेंज इस क्वेश्चन की, वाई इक्वल टू कॉस की पावर 4x अपॉन 5 माइनस साइन की पावर 4x अपॉन 5। ओके बेटा, आप सर माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन, हाँ सही है, बट आपने किया कैसे ये बताइए मुझे सर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सर फॉर्मूला लगाई। गुड, ओके, फिर सर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन हो गया। ओके बेटा समझ गया, जो आपने बस इतना बता दिया मैं समझ गया कि आपकी रेंज कैसे आई। ओके बेटा, अन्य बच्चे जिनका नहीं हुआ देखते हुए, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके तो यहां से बेटा वाई इक्वल टू, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन फाइव का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन फाइव का स्क्वायर। ओके बेटा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन फाइव माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन फाइव इन अदर ब्रैकेट में कॉस एक्स अपॉन फाइव प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन फाइव। ओके बेटा, यहाँ पर देखिए ये आपको क्या दिया हुआ है, कॉस टू एक्स का फार्मूला दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू एक्स के इक्वल होता है। ये आपका क्या है, वन के इक्वल, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। ओके तो यहाँ से बेटा कॉस स्क्वायर टू एक्स, तो cos 2 इंटू एक्स अपॉन फाइव, तो जो फाइनली आपका आ रहा है cos 2x अपॉन फाइव। बेटा मैंने आपको पहले बोल दिया, जैसे ही cos के अंदर कुछ भी दिया हो, cos x टाइप का ग्राफ दिख जाए या सॉरी फंक्शन दिख जाए, तो आप क्या बोलोगे इसकी रेंज, विदाउट कुछ किए हुए रेंज इक्वल टू माइनस वन टू वन।
ओके बेटा, क्लियर हुआ सबका? यस सर। ओके रब कर दूं सर और एक दो दिन। अरे क्वेश्चन में बहुत सारे कराऊंगा, डोंट वरी। रेंज में अभी कम से कम मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी यार। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, मैथ बेटा प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। आपको ये मत पूछना क्वेश्चन तो होमवर्क और क्लास में कितने में करा दूंगा इसके बारे में तो सोचो ही मत, बस ये करने की हिम्मत रखो बस कि नहीं हम इतने क्वेश्चन करेंगे आज। y इक्वल टू साइन log 2x, बताइए बेटा इसकी रेंज क्या आएगी? अनदर क्वेश्चन सर, -1 to 1। बस बेटा कुछ करना ही नहीं है, मैंने क्या बताया, जैसे ही आपको साइन एक्स टाइप का कुछ भी दिख जाए, आपको साइन एक्स टाइप का कॉस एक्स टाइप का दिखे, आपको डायरेक्टली बोल देना है कि -1 to 1। आप टाइम किल कर रहे हैं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है। ओके यहां पर क्या होगी, -1 to 1। अगला क्वेश्चन बताइए आप, y इक्वल टू कॉस 2x -sin 2x, इसकी रेंज बताए बेटा। इसकी रेंज जो मैंने सबसे पहले मेथड बताया था a cos x प्लस b sin x वाले फार्मूले से, यहां पर क्या है बेटा, c जीरो है, इसको cos 2x को cos x की तरह ट्रीट करेंगे आप। ओके देखते हैं इसको, यहां पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 0, तो रेंज क्या आ जाएगी बेटा, 0 माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर से y 0 प्लस रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कितना है बेटा, -2 to -√2। ओके तो यहां जो y बिलोंग्स टू -√2√2। ओके क्लियर हुआ बेटा सबका? जागृत बेटा क्लियर हुआ आपका? यस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। fx इक्वल टू साइन रूट एक्स, बताइए बेटा रेंज। प्रथम आप नहीं बोलोगे, रिद्धि आप बोलो इसकी रेंज क्या होगी। सर -1 से 1। ओके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड लगाने वाला है, इस क्वेश्चन को आप एक मिनट सोचिए फिर बताना आप, थोड़ा सा इसको मैं शार्प से लिख दे रहा हूं बेटा। डब्बा के अंदर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी रेंज बतानी है आपको, अब बताइए आप। मतलब डब्बा मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया हुआ है, अब बताइए आप इसकी रेंज। एक मिनट का टाइम है आपके पास, सबके पास। सर 0। हाँ सर 0 ही आएगा सर। कैसे 0 आएगा, मुझे कोई एक बच्चा डिफाइंड करे, कोई एक बच्चा। ओके मुझे नहीं आता, आप लोग मुझे पढ़ाओ, जैसे मतलब मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे आप मुझे इसको बताओ कैसे आएगा 0। सर फ्रैक्शनल पार्ट की, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की सर वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है ना। ओके 1 होता है उसमें सर, 1 नहीं होता सर, 0 इंक्लूड होता है, 1 नहीं होता। ओके फिर तो फिर सर अब वो उसको वो सर ये सर डब्बे वाले फंक्शन में है। अच्छा डब्बे वाले फंक्शन में क्या करेंगे? तो सर वहां पे तो सर कोई भी वैल्यू होती है, मतलब 0 से 1 में सर सारी वैल्यू सर 0 ही हो जाएगी। ओके क्योंकि सर 1 तो आएगा ही नहीं ना। ओके
बेटा और किसी का कोई डाउट है इसमें? जीरो किसी का ऐसा तो नहीं है जिसको जीरो ना आए? बताइए बेटा, कोई ऐसा बच्चा है जिसका जीरो ना आ रहा हो? ठीक है, रब के दो बेटा। एक क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मीन्स आप समझ लीजिए ये पिछले कभी एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप कभी लास्ट एडवांस जो आया हुआ है, जब ये मेंस में आने के इसके चांसेस हैं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा, एक क्वेश्चन है ये मेंस करा रहा हूं। fx इक्वल टू log 2 माइनस log रूट 2 15 साइन स्क्वायर x प्लस 1। ये बेटा क्वेश्चन है आपका फाइनली। इसको आप 2 मिनट ट्राई करिए, पहले हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बताता हूँ। 2 मिनट का टाइम है आप सबके पास, इसको ट्राई करिए आप, इसकी रेंज क्या आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ ठीक है, कितने बेटा? y इक्वल टू साइन e की पावर x, ये क्वेश्चन, और y इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x। बेटा मैंने अभी इनवर्स के ग्राफ आपको बताए नहीं है, यदि आपको आता हो तो करिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, नेसेसरी नहीं है। आपने कभी, मे भी मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपने शायद ITF क्योंकि 12th का टॉपिक है, इसको रहने देते हैं अभी, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि बेटा इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हो, y इक्वल टू साइन e की पावर x, इसकी रेंज क्या होगी? माइनस 1 टू 1। ओके, माइनस 1 टू 1। ओके ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को देंगे हम। ठीक है, इसको रख के दे रहा हूं। ये भी मेंस में, ये शायद पूछा जा चुका है मेंस में, मे बी ln 5x² माइनस 8x + 4। ओके, यो क्वेश्चन, इसकी रेंज बतानी है आपको, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। सर बीच में क्या लिखा है, 8x लिखा है? यस बेटा, 8x ln 5x². ठीक है, और मैं इसको थोड़ा साफ कर दे रहा हूं। ओके, ln 5x² माइनस 8x + 4, इसकी रेंज बतानी है। बेटा मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, जब भी आपको, जैसे देखो मैंने पिछला क्वेश्चन जो ln वाला बताया था, तो आप जो अंदर है इससे स्टार्ट करिए आप।
यहां से स्टार्टअप करेंगे तभी आप आगे फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके देखिए, यहां से स्टार्टअप करने का मीन्स इसका आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। पहले आप लोग हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाइए। परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है उसको बनाइए आप लोग। कोशिश कीजिए बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ। कुछ ऐसा ही बनेगा या कुछ और सही कुछ बनेगा। इसको ये भी देख सकते हैं टोटल ये जिसका आंसर मैच कर जाए या आप लोग कैसे भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएं ये जिसका आंसर मैच कर जाए आप लोग बताना। जिसका हो गया हो वो अगला क्वेश्चन करे। फाइंड द रेंज एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस थ्री। एक क्वेश्चन और है। इसकी भी बेटा रेंज निकालनी है। बेटा हुआ किसी से ये वाला क्वेश्चन या नहीं हुआ?
नहीं सर आप करवाना। ओके तो बेटा आप लोगों को बोलना चाहिए ना, मुझे लगा शायद आप लोग कर रहे हैं। ओके बेटा आप लोगों को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, पहले इसका ये जो इसका आप स्क्वायर रूट बनाना, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर पहले बेटा ये बताइए परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना आता है नहीं आता, पहले ये चीज आप क्लियर करिए, बताइए बेटा प्रथम आप बताइए परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है या नहीं आता। रिद्धि आपको बताइए बेटा कोई, देखते हैं मैं इसको थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर बनाना पहले मैं आपको बता रहा हूं फिर इसके बाद देखते हैं। बेटा यदि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर सॉरी y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे a को पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से क्या आएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन। ओके बेटा अब यहाँ से देखिए अब परफेक्ट स्क्वायर मतलब बनाने का मीन्स इसको कुछ स्क्वायर फॉर्म में बनाने के लिए क्या होता है ए प्लस बी का यदि स्क्वायर लिखे हम यहाँ से क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके ये चीज होती है तो बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर हमको ऑलरेडी दे रखा है इसके बाद टू ए बी, टू ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बी अपॉन ए एक्स, तो यहाँ बेटा एक्स को छोड़ देते हैं हम, एक्स से मतलब नहीं केवल हमें मतलब क्या है जो x का कोफिशिएंट, तो यहाँ से बेटा यहाँ पर कैपिटल a लिख लेते हैं हम लोग, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर कैपिटल a थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं, कैपिटल a प्लस कैपिटल b होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके तो यहाँ से ए स्क्वायर ऑलरेडी दिया तो आपको टू ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बी अपॉन ए, और ये यहाँ पर दिया हुआ a कितना है वन दिया हुआ है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ए। ओके यहाँ पर ए वन दिया हुआ है तो बी कितना निकल गया है बेटा फाइनली बी अपॉन टू ए, अब बेटा बी बी अपॉन टू ए फाइनली निकल गया है तो बट यहाँ पर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ बी को बी स्क्वायर कर लीजिए तो बी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। ओके यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर ऐड कर देते हैं और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर स्क्वायर ए सॉरी फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए। ओके देखते हैं अब देखो ये बेटा क्या लिख रहा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर स्क्वायर। ये बेटा बताइए ये समझ में आया आपको प्रथम, अब क्लियर हुआ रिद्धि आपको बेटा क्लियर हुआ है? यस सर। ओके तो वैसे ही अब जैसे ठीक है कोई अभी क्वेश्चन उठा के देखते हैं या वही वाला क्वेश्चन करते हैं, वो वाला तो आप ही करोगे, मैं ये वाला क्वेश्चन देखता हूँ थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे थ्री माइनस माइनस इसमें कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ओके थ्री माइनस यहाँ पर अब बेटा देखिए एक्स स्क्वायर मतलब इसका कोफिशिएंट भी वन है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स,
अब देखिए बेटा यहाँ से अब a इक्वल टू मतलब वन दिया हुआ इसका कोफिशिएंट और टू ए बी, टू ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ माइनस टू, तो बेटा b इक्वल टू कितना आ गया माइनस वन आया कि नहीं आया, b इक्वल टू माइनस वन आ गया, तो यहाँ पर बेटा माइनस वन कर दीजिए, सॉरी b इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर a कितना है वन है एंड b निकालना है हमें इक्वल टू माइनस टू, ओके तो यहाँ प्लस वन माइनस वन कर दीजिए, अब बेटा कितना आ जाएगा थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन को हम क्या ले सकते हैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, ओके अब बेटा यहां से जो फाइनली आपका आ रहा है इसको क्या लिख सकते हैं थ्री माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन, तो यहाँ से क्या है फोर माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर, बेटा हमने ये रेंज आप देखिए इसमें क्या बोली गई थी एफ एक्स इक्वल टू लॉग थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, देख लेते हैं यहाँ पर अब इसमें लॉग अप्लाई कर देते हैं लॉग फोर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ओके आप बताइए बेटा आप लोग ये चीज बताइए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताइए, यदि इसको इस पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमम होने के लिए तभी लॉग मैक्सिमम होगा, इस पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमम होने के लिए क्या बेटा इसको मिनिमम होना पड़ेगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर मिनिमम होना पड़ेगा, इस पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा और ये बेटा मिनिमम कितना हो सकता है जीरो हो सकता है, तो यहां पर जीरो रख दीजिए तो लॉग फोर, ओके लॉग फोर, ओके समझ में आया नहीं बेटा ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बताइए बेटा हेलो सर एक्स माइनस वन स्क्वायर इक्वल जीरो कैसे है बेटा हमें क्या बोला है कि फोर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब फोर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इसको हमें मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको यदि मैक्सिमम करना है इसको मिनिमम होना पड़ेगा फोर माइनस माइनस का जो लास्ट वाला टर्म इसको मिनिमम होना पड़ेगा तभी ये मैक्सिमम होगा, ये चीज समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही बताइए आप, नहीं सर ओके देखते हैं बेटा थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेते देते हैं, यहां पर बेटा लिखा एक्स माइनस टू सॉरी एट माइनस एक्स दिया हुआ है एट माइनस एक्स बेटा इसको इस क्वांटिटी को यदि मैक्सिमम होना है एक्स कुछ भी ले सकते हैं तो आप इस क्वांटिटी को यहां इस क्वांटिटी को मैक्सिमम होने के लिए क्या मिनिमम यहां पर बेटा एक्स को जीरो होना पड़ेगा तभी तो क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, ये पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमम करने के लिए इसका मिनिमम होना जरूरी है ना एक्स का बताइए आप बेटा एट माइनस सर इसका मिनिमम होना जरूरी है ओके तो वही चीज हम लोग यहां लिख रहे हैं फोर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसकी जो बेटा अब स्क्वायर दिया हुआ है जैसे यहां पर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इसकी बेटा मिनिमम वैल्यू आपकी जीरो ही हो सकती है इसके मिनिमम इससे मिनिमम हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है एक्स की आप नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो आप क्या हो जाएगा स्क्वायर के थ्रू या पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर बेटा इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो जीरो हो सकती है, तो यहाँ पर फोर माइनस जीरो फोर हो गया ठीक है तो यहाँ पर फोर हो गया तो लॉग फोर, तो यहाँ पर जो बेटा इस फंक्शन की पूरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही लॉग फोर आ रही ओके। अब आप ये बताइए अब इसको इसको मिनिमम करना है हमको इस पूरी क्वांटिटी को मिनिमम करना है आपको ओके। अब दूसरा आपका टास्क क्या है इस पूरी क्वांटिटी को हमको मैक्सिमम करना है, अब बताइए बेटा इस पूरी क्वांटिटी को हमें क्या करना है मैक्सिमम करना है सॉरी मिनिमम करना है, मिनिमम करने के लिए क्या होगा इसका बेटा मैक्सिमम होना जरूरी है तभी तो मिनिमम होएगा बताइए yes,
तो बेटा ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, इसको यदि मैक्सिमम क्या हो सकता है, प्लस का इनफाइनाइट हो सकता है या नहीं हो सकता, बताइए आप। यस सर। बेटा ये मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट हो सकता है, तो फोर माइनस, अब यहाँ पर माइनस आगे लिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फोर माइनस माइनस, यदि यहाँ पर आपसे बोला जाए फोर माइनस इनफाइनाइट कितना आएगा, फाइनली माइनस इनफाइनाइट आएगा बेटा। तो ln के अंदर या log के अंदर, log के अंदर यदि माइनस इनफाइनाइट दिया हो तो log के अंदर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आएगी, बताइए आप लोग। माइनस इनफाइनाइट बेटा, log के अंदर माइनस इनफाइनाइट, फिर से देख लीजिए ग्राफ, आपको मैं ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए एक बार कॉपी में, कॉपी में पलटा के देख लीजिए, log के अंदर माइनस इनफाइनाइट, देखिए जब x की माइनस इनफाइनाइट, देख लीजिए आप एक बार फिर से क्या आएगा, लॉग का ग्राफ देखिए आप एक बार, बेटा देखा आप लोगों ने लॉग का ग्राफ, आप लोग ग्राफ देखिए, इसके बाद ग्राफ देखने के बाद मैं जो लिख दे रहा हूं यहां पर लॉग माइनस इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू जीरो होगी, इसकी जो रेंज आ जाएगी वो जीरो टू लॉग फोर आ जाएगी। ओके बेटा, ये चीज यदि आपको समझ में आ गई है तो आपको ये जो जो मैंने पहले रेंज के लिए बताया था ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, वैसे ही सेम एज इट इज वैसे ही है, यहाँ पर तो सीधा सीधा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एन फोर अपॉन फाइव आ रहा था, एल एन फोर अपॉन फाइव से इनफाइनाइट तक रेंज होगी। ओके, ये चीज किसी को डाउट आ रही है, बताइए आप लोग, इसमें किसी को डाउट है क्या, आप लोग बड़ा सन्नाटे से बैठ गए हैं। हेलो जागृत बेटा, कोई डाउट है क्या आपको, बताइए। प्रथम बेटा आपको? नो सर। ओके, तो बेटा जो आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस थ्री, इसकी यदि हो सके तो तुरंत रेंज निकाल लीजिए, दो मिनट के अंदर इसके रेंज निकाल के बताइए आप लोग, ये होमवर्क में है बट यहीं पर आप कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, करिए बेटा आप। सर एक बार आप पिछली वाली स्लाइड रिपीट करें। ये लीजिए बेटा, सर इसमें फाइनल रेंज लॉग फोर जीरो आएगा या जीरो लॉग फोर? जीरो लॉग फोर आएगा बेटा, ये वाला मिनिमम से ही मैक्सिमम, मैंने क्या बोला था कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी मिनिमम वैल्यू एम स्मॉल एम एंड कैपिटल वैल्यू कैपिटल एम, मतलब स्मॉल वैल्यू एम एंड कैपिटल एम होगी, ठीक है, किसी फंक्शन की रेंज, किसी कंटिन्यूअस फंक्शन की रेंज, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही। बेटा जो क्वेश्चन अभी मैंने साइन वाला दिया है ये वाला थोड़ा सा प्लीज करिए आप लोग, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस थ्री, आपके पास दो मिनट का टाइम है, इसी के बाद आपकी क्लास भी और कर दी जाएगी क्योंकि टाइम और हो रखा है। ओके करिए बेटा, सर जीरो टू एट, जीरो टू एट बेटा मुझे पता नहीं है, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, आप एक एक किसी और बच्चे का आने दीजिए आप आंसर, सबका सेम ही आएगा तो मान लीजिए आपका सही है। जीरो टू एट मतलब जीरो और एट पे क्लोज है या ओपन ब्रैकेट, बताइए आप, यदि क्लोज ब्रैकेट। ओके सही है बेटा, गुड बेटा, रिद्धि आपका आया? हाँ सर आ गया।
एफएक्स इक्वल टू, आप अच्छा प्रथम बेटा आप अप्रोच बताइए कैसे किए हैं, अप्रोच बता दीजिए बस, मैं समझ जाऊंगा आपने कैसे किया है। सर इधर सर मैंने ऐसा किया कि सर यहाँ पे सर अगर हम साइन एक्स की सर मिनिमम वैल्यू लेकर सॉल्व करें तो सर यहाँ की रेंज की मिनिमम मिल जाएगी और मैक्सिमम लेके तो मैक्सिमम भी मिल जाएगा। हाँ चलो ठीक है आप, अच्छा रिद्धि बेटा आपकी अप्रोच क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी अप्रोच बताइए। सर मैंने 3 को स्प्लिट कर दिया 4 माइनस 1 में और फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स। हाँ ये भी सही है, ओके ओके ठीक है बेटा आप अप्रोच बता दे। ठीक है बेटा तो आपकी क्लास आज ओवर की जाती है। ये क्वेश्चन है, किसी को डाउट हो बेटा जिनसे नहीं हो रहा वो प्लीज घर पे एक बार ट्राई कर लेना, डाउट हो या जितने भी क्वेश्चन मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन और शायद होमवर्क में दिए हैं क्लास के स्टार्टिंग में ही, तो किसी को भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप प्लीज नेक्स्ट टाइम में पूछ लेना। ओके ओके सर, ओके बेटा थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर, बाय, थैंक यू सर, बाय सर।